रैगिंग के नाम पर हो रही इस गंदगी को चलते हुए अब लगभग 2 हफ्ते हो चुके थे। कॉलेज की नई नई पढ़ाई, आने वाले एग्जाम्स का प्रेशर और खुद को बेहतर साबित करने की होड़, सब कुछ इस तकलीफ के सामने मानो धुंधला होता जा रहा था। कभी तो जी में आता कि घर फोन करके सब कुछ बता दे, तो कभी मन करता कि हॉस्टल वार्डन के पास जाकर एक ऑफिशियल कंप्लेंट फाइल कर दे। लेकिन फिर लगता कि अगर ये बात सीनियर्स को पता चल गई तो फिर वो कहीं किसी और बड़ी मुश्किल में ना फंस जाए। उसके मन में अभी ये सब चल ही रहा था कि अचानक से उसके रूम के दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। क्या कर रही है जूनियर? स्मृति ने दरवाजा खोला तो देखा कि सामने एक सीनियर स्टूडेंट खड़ी थी जिससे वो अब तक मिली नहीं थी। कुछ नहीं मैम, बस वो सोने जा रही थी। स्मृति ने किसी तरह अपने आंसुओं को छुपाते हुए कहा। सोने जा रही थी या रोने जा रही थी?